क्यू टीवी भारत की टीम आज पहुंच चुकी है उत्तराखंड के रामनगर, और रामनगर में ये रिजोर्ट है। इस रिजोर्ट के अंदर जो है हम आए हैं, वकील साहब हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, ये टांडे के रामपुर के हैं, इनसे ही पूछते हैं। इतना प्यारा रिजोर्ट, और आप देख सकते हैं ये जो है लीची है, इनके ही इस रिजोर्ट में है। स्विमिंग पूल और बहुत सारे रूम्स और बहुत अच्छा गार्डन इन्होंने बना रखा है। शादी पार्टी की भी यहाँ पर व्यवस्था है, यहाँ पर शादियाँ भी अच्छी से होती है। वकील साहब, कितना प्यारे तरीके से आपने इसको सजाया है, क्योंकि सारे बाग है, कई तरीके की यहाँ पर देखिए। यहाँ पर जो मेन जो फसल होती है वो लीची की होती है, और लीची यहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर है, और मशहूर होने के साथ साथ लीची के साथ फिर आम भी बहुत अच्छा है। इसको हमने डेवलप करके अब इसे रिजॉर्ट में भी कन्वर्ट कर दिया है। अब रिजॉर्ट में नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, जो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क जाता है, और वहाँ पर जाके काफ़ी अच्छे अच्छे वाइल्ड लाइफर बॉम्बे से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से वगैरह से सब आते हैं, हमारे यहाँ भी स्टे करते हैं। और अभी हम इसे हम डेवलप कर रहे हैं, और स्विमिंग पूल वगैरह भी यहाँ पर हमने बना रहे हैं, और बहुत अच्छा यहाँ पर लीची की फसल होती है, और इस बार भी लीची बहुत अच्छी आई है। लेकिन बीच में कुछ कुछ ओला पड़ा है, ओले से नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी लीची इतनी परसेंट आई थी, 100% कि लीची इतनी है कि पेड़ों में माशाल्लाह पेड़ टूटे जा रहे हैं, और बहुत अच्छा है। यहाँ की लीची मशहूर है, और ये लीची की जो फसल होती है 20 मई से लेके और 15 जून तक यहाँ की चलती है, और यहाँ पर बड़े बड़े फंक्शन, शादियों के, हिंदू शादी, मुस्लिम शादी, सब तरह की शादियाँ होती हैं, और टूरिस्ट जोन नंबर एक का बन गया है रामनगर। लोग आते हैं यहाँ पर, कितना अच्छा उनको माहौल लगता है, क्योंकि यहाँ पर बाग, कई सारे आम, बहुत कई वैरायटी के आम है, मलियाबादी आम भी है, और लीची भी कई वैरायटी के हमने आपके पास देखी, चीकू है, कई सारे आपने फसलें लगाई है, और तैयारी आप शायद उसकी सेब की भी करने वाले हैं। जी जी, यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर आड़ू के पेड़ भी हैं, और आलू बुखारा भी है, लीची भी है, आम है, कटहल है, और चीकू के पेड़ हैं, और हम अच्छी वैरायटी में बहुत अच्छे अच्छे चीकू के पेड़, और अब हमें मालूम हुआ है कि इस इलाके में सेब भी हो सकता है जो इसराइल से आ रहा है, तो वो भी हम लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और तरह तरह की वैरायटी का, इसको बहुत अच्छा वाला टूरिस्ट जोन बना रहे हैं हम लोग इसको। टूरिस्ट जोन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, वकील साहब हैं, इन्होंने टूरिस्ट जोन इसको बनाने के लिए प्रयास हैं इनके, बहुत सारी अभी इसमें कार्य चल रहे हैं। रिजोर्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे रिजोर्ट में जो रूम्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। यही नहीं, आप ये देखिए, ये लीची है, इतनी खूबसूरत, इतनी सुरखाई वाली लीची शायद मैंने अभी कहीं देखी होगी, जितनी इसमें जो है सुरखाई है, और वाकई इसका टेस्ट भी है, अभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे इसका टेस्ट, जो मैंने ये खाई है कई सारी, इसमें खाने के टाइम पे रस एक्चुअली इसमें ज़्यादा है। बहुत सारी लीची होती है ग्रीन टी, बस ग्रीन होती है और रेड नहीं होती, जितनी रेड इसमें, और इसमें रस जो है काफ़ी अच्छा है, स्वाद इतना बेस्ट है कि लोग यहाँ पर दूर दराज से आ रहे हैं और इस लीची का आनंद ले रहे हैं। यही नहीं, रिजोर्ट घूमने के हिसाब से आते हैं, पार्टियाँ, शादियाँ सब कुछ होती है, मगर अब इनकी प्रयास है इसको और बेहतर करा जाए और यहाँ पर फैसिलिटी दी जाए, इसलिए तैयारी में लगे हैं। फिलहाल क्यू टी भारत टीम यहाँ पर आई है और इन्जॉय किया इस बाग में, बागीचे में पूरी फैमिली के साथ। कहा जा सकता है कि घूमने के इरादे से आप यहाँ पर आएँ, फैमिली को लेकर साथ आएँ, तो काफ़ी, बाकी मान सम्मान में भी पीछे नहीं है, हर इंसान को उसी तरीके से मान सम्मान दिया जाता है जैसे इनके परिवार के लोग हैं। फिलहाल हमारी इनको शुभकामनाएं हैं कि ये उत्तराखंड का बेस्ट जो है रिजोर्ट बने, और यहाँ लोग जो है घूमने आए और पार्टियाँ जो है ज्वाइन करें। वीडियो नाजिम के साथ अफान अहमद, क्यू टी भारत, रामनगर।